हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है, तो फिर सर्दी का मौसम आते ही हम लोग को जुकाम हो जाता है। तो फिर जुकाम होते ही डॉक्टर लोग हम लोग को गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज की देखिए, आप रात को सोए हुए हो और आपको गर्म पानी जरूरत पड़ता है, तो फिर आपको किचन जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो फ्रेंड, इसे सिम्पटम निकालते हुए आज मैंने एक मिनी इंडक्शन बनाया है। तो फ्रेंड, जो मिनी इंडक्शन है बहुत ही छोटा है और फ्रेंड आपको 5 मिनट के अंदर पानी गर्म करके दे देगा। तो फिर हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बॉक्स ले लिए हैं। फिर बॉक्स देख सकते हैं पूरा टीन का है और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सैंड पेपर से इसके ऊपर की तरफ से पूरा घिस लिया है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद जो ऊपर का कैप है उसमें हम जो सोल्डिंग आयरन का कॉयल आता है उसे लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो कॉयल है आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम इसे फ्रेंड इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से जो हमारा कॉयल है उसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमें कुछ इसको फिक्स करना है। तो फिर आप इस कॉयल के बीच में देखेंगे तो फ्रेंड ज्वाइन रहता है, तो फिर ज्वाइन को हम कट कर लेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे कट करने के बाद आपको उसके अंदर एक वायर ज्वाइन किया हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उस वायर को आपको ऐसे रहने देना है और फ्रेंड्स जो कॉयल है इस कॉयल को अपने जो कैप है उसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार फिक्स करना है। तो फिक्स करने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा घिस लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो फाइबर स्लीव आता है उसे चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक फाइबर स्लीव लिया है और फ्रेंड इसको हम अपने कैप के ऊपर चिपकाएंगे। तो फिर चिपकाने के लिए यहाँ मैं सुपर ग्लू का मदद ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। और फ्रेंड्स, चिपकाने के बाद जो हमारा कॉयल है उसको सिंपली यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ मैंने एम सील ले लिया। तो फ्रेंड्स, इस एम सील से अच्छी तरीके से हम इसे अपने कैप के ऊपर कॉयल को फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमें कुछ इसका फिक्स करना है। तो फ्रेंड, अब जब तक वो सूख रहा है तब तक फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो हमारा नीचे वाला बॉक्स है उसमें थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा होल हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा एम सील था वो सूख भी चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने जो बॉक्स के अंदर होल किया था उसमें से जो हमारा कॉयल का दोनों वायर है उसे बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, बाहर निकालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से बॉक्स को बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस पर ये बंद हो जाएगा। तो हम बंद करने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम छोटा सा कट करके फाइबर स्लीव ले लेंगे। और फ्रेंड्स, फाइबर स्लीव को अपने जो वायर है उसके ऊपर फोल्ड करने के बाद जो हमने होल किया था उसके अंदर अच्छी तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरीके से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे पावर सप्लाई देने के लिए वायर ले लिया है। फ्रेंड्स, इस वायर को जो हमारा सोल्डिंग का दोनों वायर है उसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम फाइबर स्लीव को अपने वायर के अंदर डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसे पहले से डालने के बाद अब जो हमारा कनेक्शन है उसे हम अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टाइट इसको अच्छे तरीके से कनेक्शन कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने फाइबर स्लीव लगा दिया क्योंकि फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट ना हो। फ्रेंड्स, जो हमारा पीछे साइड फाइबर स्लीव लगाया था इन दोनों वायर को अच्छी तरीके से उससे कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, हमारा जो मिनी इंडक्शन है वो बनकर तैयार हो चुका था। फ्रेंड्स, चलिए इसकी टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ऊपर के साइड से एकदम गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर इस पर कोई भी करंट नहीं आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं इसे अपने हाथ से भी टच कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी करंट नहीं लग रहा है। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो फ्रेंड, चलिए इस पर हम कुछ पानी रख कर चेक करते हैं कि पानी गर्म होता है कि नहीं।
तो फिर आप देख सकते हैं आप, मैंने इस पर पानी रख दिया है कटोरी में लेकर। और फ्रेंड कुछ ही मिनटों के बाद देख सकते हैं हमारा जो वाटर है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।